मध्य प्रदेश जहां पर कांग्रेस की राम यात्रा निकलनी है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस राम यात्रा निकालने जा रही है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस संबंध में घोषणा की और उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय ना है कि हम राम यात्रा के जरिए विपक्ष को याद दिलाएंगे कि महंगाई कम करो, हर घर में बेरोजगारी की लंबी कतार है, युवाओं को रोजगार दिलाओ। बीजेपी की केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार है और सरकार ने संकल्प पत्र में अद्भुत अकल्पनीय वादे जो किए हैं किसानों से किए हैं, महिलाओं से, बेरोजगारों से किए हैं, उनको पूरा करें। और इस खबर पर, इस यात्रा पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राम पांडे, ये जो आप राम यात्रा निकालने जा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है और इसको आप कैसे जमीन पर उतारेंगे और सरकार को कैसे आप इस उद्देश्य को याद दिलाएंगे? भारतीय जनता पार्टी विशेषकर भगवान राम के नाम पर झूठ बोलती है, हिंदू धर्म के नाम पर झूठ बोलती है और सनातन धर्म के नाम पर झूठ बोलती है। तुलसीदास जी ने कहा है, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मतलब भले ही आपके प्राण चले जाएं, लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। यदि आपके वचन चले जाते हैं तो फिर आप न राम को मानते हैं, न हिंदू धर्म को मानते हैं, न सनातन धर्म को मानते हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा क्योंकि वो तो सबको रटी रटाई है। अभी दो चार महीने पहले नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश में आए थे, अमित शाह जी आए थे, नड्डा जी आए थे, संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी आई थी और कहा था कि 450 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। अभी तक शुरू नहीं हुआ है, क्यों झूठ बोला ना भगवान के नाम पर? 2700 रुपए प्रति क्विंटल किसानों से गेहूं खरीदा जाएगा, वो नहीं खरीदा जा रहा है। 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी जाएगी, वो नहीं खरीदी जा रही है। 1,00,000 नौकरियां प्रति महीना दी जाएंगी, वो नहीं दी जा रही है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। कहा था 35 का पेट्रोल देंगे, 100 के ऊपर का हो गया है। काला धन लाएंगे, नहीं आया है। 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं आया है। फिर ये लोकसभा में झूठ बोलने के लिए आएंगे,
तो मेरा कहने का मतलब है भगवान राम को वही मानता है जो झूठ नहीं बोलता है, और हम तो यात्रा नहीं भी निकालेंगे, जो मैंने बातें कही हैं ये कंप्लीट कर दें, यात्रा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये लोग यात्रा का विरोध कर रहे हैं, शिवराज सिंह जी, गिरिराज सिंह जी, भगवान राम के नाम पर जो यात्रा निकाली जा रही है उस यात्रा का विरोध वही कर सकता है जो भगवान राम को नहीं मानता है। राम यात्रा का विरोध वही करेगा जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म को नहीं मानता है। अब ये बात कहेंगे कि हलफनामा दे रखा है, हलफनामा तो मोदी सरकार ने दे रखा है सुप्रीम कोर्ट में, जो हलफनामा था वो अभी भी है और संसद में स्वीकार कर चुके हैं। अब मोदी जी मध्य प्रदेश में प्रचार करने आए और टिकट किसको दिया, जो भगवान राम की प्रतियां जलाते हैं, जो रामायण की प्रतियां जलाते हैं उनको टिकट दिया। तो हमारा तो ईश्वर से यही कहना है कि इनको सद्बुद्धि दे, इनके झूठ के कारण देश बर्बाद हो रहा है, इनके झूठ के कारण महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ये लोग विज्ञापन में एक्सपर्ट हैं, मीडिया मैनेजमेंट पे एक्सपर्ट है, फर्जी खबरें फैलाने में एक्सपर्ट है, तो जो असल मुद्दे हैं वो दब जाते हैं, जो मैंने बातें कही हैं अब ये दब जाएंगी। अमित शाह जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, ये अब चांद पर जाने की बात करेंगे, सूरज पर जाने की बात करेंगे, ब्रह्मांड पर जाने की बात करेंगे, और जो मैंने बात बताई ये कोशिश करेंगे कि जनता उनको भूल जाए। और इनके इस तरह के आचरण के कारण हर दूसरा नौजवान बेरोजगार है, प्रतिदिन दो किसान, दो नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, हर खबर को दबा दिया जाता है, गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं। एक निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, पूरा देश और दुनिया हिल गए थे, अब गैंगरेप हो रहे हैं, निर्भया जैसे कांड मध्य प्रदेश में, महाकाल की मूर्तियां उखड़ रही हैं, नकली खंडित मूर्तियां बना दी जाती हैं, भ्रष्टाचार इतना किया जाता है कि बांध के बांध बह जाते हैं। नेहरू जी के समय में भाकड़ा, नागला, ये इतने जो भी बांध बंधे थे देश में, वो एक भी बांध की एक ईंट नहीं हिली हुई है, और ये आज काम कराते हैं कल काम इनका खंडित हो जाता है, पुल पुलियां बह जाते हैं। तो भ्रष्टाचार 50%, 60% क्या कागजों में काम हो रहा है, पोषण आहार का पैसा पूरा का पूरा खा गए, बताइए कागजों में ये लिख देते हैं कि पैसा बांटा जा रहा है, पोषण आहार बांटा जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। चलिए डॉक्टर रामपाने, हमारे साथ इस वक्त जेपी मूलचंदानी जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है जेपी मूलचंदानी जी, हमारे साथ डॉक्टर राम पांडे जुड़े हुए हैं। कांग्रेस राम यात्रा निकालने जा रही है और जिसके जरिए प्रदेश सरकार के जो वादे चुनावी घोषणा पत्र में किए गए थे उनको वो याद दिलाने जा रही है, ऐसे में इन वादों को लेकर आप क्या कहेंगे? राम यात्रा इसका नाम दिया गया है, इन यादों को अब तक पूरा करने की दिशा में आप कहां तक पहुंचे? मुझे लगता है जो मैंने अभी राम पांडे जी का, मेरे परम मित्र राम पांडे जी का वक्तव्य सुना, वो वक्तव्य नहीं था, वो एक झूठा चुनावी भाषण था। बहुत अच्छा भाषण था, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु मेरे अभिन्न मित्र से मेरा ये कहना है कि उनका नाम राम है तो राम जैसा आचरण करें और सत्य बोलें। ये कांग्रेस की का पक्ष रख रहे हैं, वो उनका कर्तव्य है, परंतु मुझे लगता है कि अगर असत्य जो है वक्तव्य बोलेंगे और उनका असत्य रूप से पक्ष रखेंगे तो जनता, मध्य प्रदेश की जनता यह सब देख रही है और चुनाव परिणामों में इनको प्रत्युत्तर भी दे रही है। मुझे लगता है कि इनको आत्ममंथन की जरूरत है, परंतु अभी भी ये घमंड में चूर होकर जनता को गुमराह करने वाला झूठ परोसने का कार्य करते हैं। ये कांग्रेस वही है जो इनके जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने कोर्ट में राम जी को काल्पनिक बताया था और चार चार पांच पांच बार आपको याद दिला रहे कि आपने जो वादे किए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं, तो इंतजार जनता को भी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का ही, राम पांडे जी आपका भी और जेपी मूलचंदानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया।